नमस्ते बच्चों, आओ आपकी इंग्लिश का ये जो 7th चैप्टर है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट एंड द जिन। क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट एंड द जिन। एक व्यापारी और जिन की कहानी है ये। इस पाठ को आज पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है ये कहानी अरबियन नाइट्स नाम की एक कहानियों की बहुत बड़ी बुक है जिसमें हजारों कहानियाँ हैं। उस बुक में से ये एक कहानी द मर्चेंट एंड द जिन ली गई है। और ये जो कहानी है ये कहानी कौन किसको सुनाता है ये मैं आपको बता दूं कि एक पर्शियन किंग हुआ करता शहरयार। उसको उसकी न्यू ब्राइड, उसकी नई पत्नी, नव विवाहिता उसको ये कहानी सुनाती है। तो कहानी सुनानी शुरू करती है अब उसकी शहरयार की पत्नी अपने पति से, और यहाँ से शुरू करती है और कहती है, शायर ये जो सर होता है, शायर सर उसका पुराना रूप है शायर, और इसका अर्थ जैसे हम सर का अर्थ श्रीमान लगाते हैं तो इसका अर्थ आप श्रीमान लगा सकते हो, महाराज लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब ये आदर पूर्वक बोले जाने वाला शब्द है। तो इसी प्रकार पत्नी अपने पति को कहती है महाराज या पति देव। देयर वॉज वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन, वंस मीन एक बार, ए मर्चेंट, एक व्यापारी, वॉज माने था, एक बार एक व्यापारी था हु पोजेस्ड, हु माने जो, पोजेस मीन रखना या अपनाना। पोजेस मीन क्या होता है भाई? पोजेस, पोजेस का मतलब होता है अधिकार होना, रखना या अपनाना। हु पोजेस्ट, जो वुमन, जो पोजेस्ट मीन रखता था या जिसके पास था ग्रेट वेल्थ, ग्रेट माने महान या ज़्यादा, वेल्थ मीन धन, इन लैंड, लैंड मीन क्या होती है? जमीन। एंड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब व्यापार। एक व्यापारी था जिसके पास जमीन, जायदाद, लैंड एंड मर्चेंटाइज का क्या अर्थ लगाएंगे? जमीन जायदाद का, जमीन जायदाद रूपी बहुत ज़्यादा धन, हु पोजेस्ट, जो रखता था या जिसके पास था। और क्या क्या था? एज, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है एंड, और, एज वेल एज मैंने और या एंड, इन रेडी मनी, रेडी मनी का मतलब होता है तैयार धन, तैयार धन का मतलब कैश, कैश में रुपए होते हैं उसको बोलते हैं रेडी मनी। तो इस सारी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो पत्नी है वो अपने पति को कहती है महाराज, एक बार एक व्यापारी था जिसके पास बहुत ज़्यादा कैश रुपया, जमीन जायदाद रूपी बहुत ज़्यादा धन था। ही वॉज ओबलाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम,
टू टेक देयर नीड्स, ही वॉज ओबलाइज्ड। ओबलाइज्ड का मतलब होता है उसको जाना पड़ता था या बाध्य होना पड़ता था टाइम टू टाइम, समय समय पर, टू टेक जर्नी, जर्नी मीन यात्राओं पर, टू अरेंज हिज अफेयर्स। अफेयर मीन यहाँ पर व्यापार कह लो या लेन देन कह लो या अपना काम धंधा कह लो। उसे अपने काम धंधों को का अरेंज करने के लिए, अपने काम धंधों का प्रबंध करने के लिए, या सीधा कह दो अपने काम धंधों के लिए उसे जर्नीज, यात्राएं समय समय पर करनी पड़ती थी। वाज ओब्लाइज्ड का अर्थ यही लगा, उसे करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? यात्राएं करनी पड़ती थी। वन डे, एक दिन, हैविंग टू गो ए लॉन्ग वे फ्रॉम होम, एक दिन घर से, फ्रॉम होम का मतलब क्या है, घर से, टू गो ए लॉन्ग वे, टू गो मीन जाना, ए लॉन्ग वे माने लंबी यात्रा पर, घर से एक लंबी यात्रा पर जाने के कारण, हैविंग, हैविंग का मतलब क्या होता है, हैव मीन होता है लेना या होना, एक लंबी यात्रा होने के कारण या घर से लंबी यात्रा पर जाने के कारण, ही माउंटेड हिज हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा, हिज माने अपने घोड़े पर, माउंटेड मीन सवार हुआ या चढ़ा, माउंटेड का क्या अर्थ लगेगा, चढ़ा, घोड़े पर चढ़ा या सवार हुआ, He mounted his horse, taking with him, अपने साथ, with him माने अपने साथ, taking mean लेते हुए, a small wallet, wallet वैसे बोलते हैं कि जैसे औरतें छोटा बट अपने बाजू में वो रखते हैं, एक छोटा बटुआ सा, उसको बोलते हैं wallet, लेकिन यहाँ पर हम wallet को बटुआ नहीं कहेंगे, कोथड़ी कह लो भाई, एक छोटा थैला कह लो, एक छोटे थैले में लेकर के, एक छोटा थैला लेकर के, और उसमें क्या डाला उसने, इन विच, जिसमें ही हैड पुट ए फ्यू बिस्कुट्स, पुट मीन डालना या रखना, हैड पुट मीन रखा, ए फ्यू बिस्कुट कुछ बिस्कुट, एंड डेट्स, डेट मीन खजूर, खजूर ये फल होता है खजूर, एक छोटे से थैले में उसने कुछ बिस्कुट और खजूर डाले और घोड़े पर चढ़ लिया या सवार हुआ, बिकॉज क्योंकि ई हैड टू पास, पास माने गुजरना या जाना, हैड टू मीन था, गुजरना था, थ्रू, थ्रू माने में से, द डेजर्ट, डेजर्ट मीन मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल तो समझते होगे, जैसे राजस्थान में होते हैं रेत के टिल्ले टिल्ले, वेयर नो फूड वाज टू बी हैड, वेयर मीन जहाँ, नो फूड कोई भोजन नहीं, टू बी हैड हैव मीन लेना या मिलना, जहाँ कोई भोजन नहीं मिल सकता था, ऐसे मरुस्थल में से उसे जाना था, इसलिए उसने एक छोटा थैला ले लिया जिसमें बिस्कुट और खजूर रखे और अपने घोड़े पर चढ़ा। ही अराइव्ड विदाउट एनी मिसअप, मिसअप मैंने होता है कोई दुर्घटना कह लो या अनहोनी कह लो, ही माने वह, अराइव्ड मीन पहुंच गया, विदाउट मीन के बिना, वह बिना किसी अनहोनी के जहाँ उसे जाना था वहाँ पहुंच गया, एंड हैविंग फिनिश्ड, फिनिश मीन ख़त्म करना, फिनिश करने के बाद, ख़त्म करने के बाद हिज बिजनेस, अपना काम, बिजनेस मीन क्या होता है, अपना काम धंधा, व्यवसाय, और अपना काम धंधा हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड का मतलब ख़त्म करने के बाद, सेट आउट, सेट आउट मीन चल पड़ा, ऑन हिज रिटर्न, रिटर्न मीन वापसी पर, अपना काम धंधा ख़त्म करने के बाद वह वापिस सेट आउट हो गया, वह वापिस चल पड़ा, ऑन द फोर्थ डे, फोर्थ मीन चौथा, डे मन दिन, चौथे दिन, ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा के चौथे दिन, द हीट ऑफ द सन, सन मीन सूर्य, सूरज की जो हीट थी, गर्मी थी, बींग वेरी ग्रेट, सूर्य की गर्मी ज़्यादा होने के कारण, वेरी ग्रेट का क्या अर्थ लगेगा, बहुत ज़्यादा, बींग माने होने, होते हुए या होने के कारण, ही टर्नड आउट ऑफ हिज रोड, जो रास्ता था वह उससे टर्नड आउट हो गया, वह उससे नीचे उतर गया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए,
अंडर सम ट्रीज, पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे आराम करने के लिए वह अपने रास्ते से नीचे उतरा, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ही वह फाउंड एट द फुट ऑफ ए लार्ज वॉलनेट, ही फाउंड उसने पाया एट द फुट, एट द फुट का मतलब कुछ फुट की दूरी पर, ए लार्ज वॉलनेट, एक बड़ा अखरोट का पेड़। वॉलनेट क्या होता है भाई? अखरोट का पेड़। ए फाउंटेन ऑफ क्लियर, फाउंटेन मीन फुवारा या चश्मा, झरना, ऑफ क्लियर मीन साफ, एंड रनिंग वाटर, चलता हुआ या बहते हुए पानी का। उसे कुछ फुट की दूरी पर एक अखरोट का पेड़ और साफ और चलते हुए पानी का झरना मिल गया। ही डिसमाउंटेड, माउंटेड मीन सवार होना, घोड़े पर सवार होना, और डिसमाउंटेड उसका अपोजिट हो गया, घोड़े से उतरना। वह घोड़े से उतर गया, फास्टन मीन होता है रस्सी से बांधना, फास्टन मीन बांध दिया हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बांध दिया, टू ए ब्रांच, एक टहनी से ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी से अपने घोड़े को बांध दिया, एंड सेट, और बैठ गया बाय द फाउंटेन, उस फाउंटेन के, उस झरने के पास सेट हो गया, बैठ गया। आफ्टर हैविंग टेकन, टेकन, टेक मीन लेना, हैविंग टेकन का मतलब लेने के बाद, आफ्टर हैविंग टेकन का मतलब है लेने के बाद, फ्रॉम हिज वॉलेट, वॉलेट मीन वो जो छोटा थैला था, उसमें से, अपने छोटे थैले में से, सम ऑफ हिज डेट्स, कुछ खजूर, डेट मीन क्या होता है भाई? खजूर। अपने छोटे थैले में से कुछ खजूर एंड बिस्कुट्स, और कुछ बिस्कुट लेने के बाद, वह उस झरने के पास में बैठ गया। When he had finished this frugal meal, जब उसने ये जो frugal meal था, meal mean भोजन, frugal mean जो उसके पास था, frugal mean पर्याप्त, या जितनी उसी भूख थी उतना उतना भोजन, या कह लो वांछित या पर्याप्त भोजन खत्म करने के बाद, या व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज फ्रूगल मील, अपना भोजन खत्म करने के बाद, ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा वॉश किया, धोआ, एंड हैंड्स, और हाथ धोए, इन द फाउंटेन, झरने में, झरने के पानी में अपना चेहरा और हाथ धोया, वो जो भोजन था उसको खाने के बाद। व्हेन ही वॉज थस एम्प्लॉयड, इस प्रकार, थस माने इस प्रकार, ही वॉज एम्प्लॉयड, वह यह काम कर रहा था, एम्प्लॉयड मीन व्यस्त था, लगा हुआ था, यह काम कर रहा था। व्हेन ही वॉज थस एम्प्लॉयड, इस प्रकार वह अपने काम में व्यस्त था, ही सा, या इस प्रकार इस काम में लगे हुए, व्हेन ही वॉज थस एम्प्लॉयड, जब वह इस काम में लगा हुआ था, या जब वह यह काम कर रहा था, ही सा, उसने देखा, एन अनॉर्मस, अनॉर्मस, अनॉर्मस मीन क्या होता है भाई? बहुत बड़ा, डरावना, जिन, एक डरावना जिन देखा, वाइट विद रेज, रेज मीन गुस्सा, गुस्से से कैसा हो रहा था वो, वाइट, सफेद, कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए, अपनी तरफ आते हुए, कमिंग मीन आते हुए, टुवर्ड्स मीन की तरफ, विद ए सिमीटर, सिमिट होती है एक छोटी सी तलवार, पैनी, कटार, बर्ची कुछ भी कह लो, एक छोटी कटार, तेजधार हथियार, इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बर्ची लिए हुए, और गुस्से से सफ़ेद हुए एक खतरनाक जिन को अपनी तरफ आते हुए।